दोस्तों भारत में बड़ी बड़ी कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया बड़े बड़े दावे करती है कि हम दुनिया का सबसे सस्ता डेटा देते हैं, लेकिन हम सबसे फास्ट स्पीड देते हैं। ऐसा दोस्तों नहीं है। पूरी दुनिया के अगर कैलकुलेशन करें तो एक रिपोर्ट यहाँ पे हर महीने दोस्तों पब्लिश की जाती है, ओकला, आप स्पीड टेस्ट करते हैं ना ओकला का, ये दोस्तों पब्लिश करती है। और मई 2022 की एक रिपोर्ट निकल गई जहां पे भारत अभी भी 75वें नंबर पे, थोड़ा इंप्रूवमेंट आया लेकिन पूरी दुनिया में स्पीड के मामले में, मोबाइल डेटा और ब्रॉडबैंड के मामले में 75 नंबर पे हैं दोस्तों। कौन है नंबर वन और दोस्तों भारत क्यों इतना पिछड़ा है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बना रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक चीज तो क्लियर है कि भारत के अंदर मोबाइल पेनिट्रेशन बहुत स्पीड से ग्रो किया है जियो आने के बाद। 2016 के बाद स्पीड भी बड़ी अच्छी खासी बड़ी, लेकिन दोस्तों अभी भी हम दुनिया में बेंचमार्क बहुत हाई है। पूरी दुनिया में हम 75वें नंबर पे यहाँ पे आते हैं मोबाइल डाउनलोड स्पीड में। और बात करें ब्रॉडबैंड वगैरह में तो थोड़ा ठीक है, लेकिन मोबाइल में बहुत खराब स्थिति हमारी। ओखला दोस्तों समय समय पर यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश करता है, इस बार अच्छा काम किया हमने लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि हम दुनिया में टॉप 10 में यहाँ पे आ जाए। स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया मेड एन मोबाइल डाउनलोड स्पीड नॉच अप स्लाइटली टू 14.28 Mbps, इनमें थोड़ा सा बढ़ा है, 14.28 Mbps की ये स्पीड है एवरेज स्पीड। भारत की बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड स्पीड मोबाइल के अंदर, इंडिया मोबाइल डाउनलोड स्पीड नॉच स्लाइटली 14.28 Mbps इन मई 2022। मई 2022 के अंदर दोस्तों 14.28 Mbps की स्पीड निकल गई है, इससे पहले कितनी थी, इससे पहले दोस्तों बात करें अप्रैल की तो ये 14.19 थी जो यहाँ पे 14.28 हुए, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, 100 Kbps जितनी स्पीड बढ़ी है, ये दोस्तों एक महीने में इतना बढ़ा। लेकिन भारत दोस्तों अभी भी बहुत पीछे हैं दोस्तों। बात करें तो 115 नंबर दोस्तों यहाँ पे आता है भारत का, यहाँ पे पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। इंडिया दोस्तों इम्प्रूव कर रहा है किसमें, यहाँ पे ब्रॉडबैंड के अंदर। ब्रॉडबैंड में दोस्तों इंडिया जो है यहाँ पे इम्प्रूव करके 76 की जगह 75 यहाँ पे पहुँच चुका है, 75वें नंबर पे ब्रॉडबैंड में है। लेकिन मोबाइल डेटा में दोस्तों 75 नहीं, यहाँ पे 115वें नंबर पे दोस्तों हम यहाँ पे खड़े रहते हैं। इंडिया दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड स्पीड फिक्स ब्रॉडबैंड की बताऊँ तो यहाँ पे कितनी है, ब्रॉडबैंड की बात करें, फाइबर की बात करें तो यहाँ पे 48.09, ऑलमोस्ट 48 Mbps की स्पीड है जो बढ़ी है यहाँ पे। और अप्रैल में दोस्तों एक महीने पहले कितनी थी, 47.86, ये भी थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 Kbps की स्पीड आप इसको बोल सकते हैं जो यहाँ पे बढ़ी है। और भारत 75वें नंबर पे आता है, ये पहले दोस्तों 76वें नंबर पे हुआ करता था ब्रॉडबैंड में, लेकिन अब 75वें नंबर पे यहाँ पे आ चुका है। अब दुनिया में सबसे फास्ट इंडेक्स में दोस्तों कौन है, सबसे फास्ट कौन है, टॉप में कौन करता है, इंडिया तो 115वें नंबर पे आता है मोबाइल डेटा के अंदर। सबसे फास्ट दोस्तों आता है यहाँ पे नॉर्वे और सिंगापुर और नॉर्वे। नॉर्वे में दोस्तों स्पीड आती है मोबाइल के अंदर 129.40, यानी ऑलमोस्ट 130 Mbps की स्पीड, डाउनलोड स्पीड मोबाइल पे देखने को मिलती है नॉर्वे में। सिंगापुर में देखने को मिलती है दोस्तों यहाँ पे 209 Mbps की स्पीड, यस सिंगापुर में दोस्तों 209 Mbps की स्पीड मिलती है, नंबर वन दोस्तों सिंगापुर निकल के आता है यहाँ पे। अफ्रीकन कंट्रीज दोस्तों बात करें यहाँ पे कोंगो, गबान, ये सारे के सारे, इन्होंने भी थोड़ा अच्छा यहाँ पे काम काज किया लेकिन कुछ खास यहाँ पे नहीं है। भारत में सब्सक्राइबर बेस में दोस्तों जियो नंबर वन है, 405 मिलियन यूजर है, एयरटेल 361 मिलियन यूजर है, वोडाफोन आइडिया 259 मिलियन यूजर है, तो कुछ हिसाब से दोस्तों सारी चीजें यहाँ पे चलती है। लेकिन बात करें दोस्तों यहाँ पे वायरलेस सब्सक्राइबर पूरे भारत में कितने टोटल मोबाइल यूज करने वाले, ऑलमोस्ट 1.142 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग दोस्तों मोबाइल यूज करते हैं, मतलब मास बहुत ज्यादा है। नॉर्वे सिंगापुर की बात करें तो ये हमारे गुजरात से भी छोटे छोटे दोस्तों, लेकिन मास लेवल पे जब काम होता है तो डेफिनेटली थोड़ी चीजें यहाँ पे करें। एक बेनिफिट ऑफ डाउट भारत को देना भी पड़ेगा, स्पीड 14.5 Mbps की यहाँ पे दिखाई जा रही है, हम दुनिया में 115 नंबर पे हैं, ये कोई बोलते ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ दुनिया का सबसे सस्ता डेटा भी भारत देता है। भारत दोस्तों यहाँ पे 7, 8, 10, 12 रुपए में आपको डेटा देता है, दुनिया के अंदर 10, 10, 15 डॉलर यहाँ पे देने पड़ते हैं आपको, तो भारत दुनिया में सबसे सस्ता डेटा देता है। और इतने बड़ी डेमोक्रेसी को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, तो धीरे 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 भारत में दोस्तों जैसे ही 5G आएगा हमारी स्पीड बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल भारत के जितने भी प्लेयर है जियो, एयरटेल, वी आई, इन्हें अपने नेटवर्क पर काम करना चाहिए, अपनी स्पीड को दोस्तों 14-15 Mbps आ रही है एवरेज, इसे कम से कम 50-60 Mbps तक पहुंचाना पड़ेगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जो देते हैं आपके भाई का चैनल, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ, उन्हें डिफेंस चला गया, पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो जल्दी से दबा दीजिए। इसके पास सीखेगा घंटे का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज इस घंटे के बटन को जो दबा देना। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, आप हमेशा भूल जाते हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक वॉच है, केयर ऑलवेज, कीप स्माइलिंग।